नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी YouTube चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम आपको PDF भी देंगे। उस PDF में आपको फायर और फायर एक्सटिंग्यूशर से रिलेटेड और भी काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, लकड़ी, कागज और कपड़े के कारण लगने वाली जो आग होती है, वह किस वर्ग, श्रेणी या फिर किस कैटेगरी की होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। हम सभी जानते हैं कि लकड़ी, कागज और कपड़े के कारण जो आग लगती है, इनमें जो आग लगती है वो जो आग होती है वो क्लास ए फायर होती है, तो उसे हम कैटेगरी ए में रखते हैं। इसके अलावा जो क्लास बी फायर होती है, उसमें जो आपके फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, जो भी आपके जो जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इन सब में जो आग लगती है वो क्लास बी फायर कहलाती है। इसके अलावा जो आपके मेटल होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम है, जो मेटल में जो आग लगती है वो क्लास डी की फायर कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, क्लास बी की आग बुझाने के लिए किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी कि कैटेगरी बी की जो आग होती है, उसमें उस आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्यूजर का हम इस्तेमाल करेंगे? हैलोन एक्सटिंग्यूजर, फोम फायर एक्सटिंग्यूजर, ड्राई पाउडर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, उनकी आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्यूजर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो फोम फायर है या फिर ड्राई पाउडर है, जब हम फ्लेमेबल लिक्विड पर इनको डालेंगे तो ये खुद जो है उनके साथ में मिलकर के आग को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन CO2 क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो फायर जो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्यूजर होता है, वो क्या करता है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ऑटोमेटिकली जो वो आग है वो बुझ जाती है। तो इसीलिए हम जो है फ्लेमेबल लिक्विड की जो आग होती है वहां पर CO2 फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आग की तीन मूल आवश्यकताओं में प्राण वायु का कार्य कौन करता है? तो मैं आपको बता देता हूं, आग की जो तीन मूल आवश्यकताएं होती है वो होती है उसका ईंधन यानी कि फ्यूल, दूसरा उसका तापमान यानी कि उसके निश्चित तापमान मिलना चाहिए जिस पर वो आग जलेगी, तीसरा होता है ऑक्सीजन। इन तीनों जब मिलते हैं तब जो आपकी जो आग है वो प्रोड्यूस होती है, वो बनती है। तो इन तीनों में सबसे जरूरी कौन सी होती है? इन तीनों में सबसे जरूरी होती है आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि एक बार अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो आग चाहे किसी भी प्रकार की हो, फ्यूल की हो या फिर किसी भी कैटेगरी की हो, वो आग जो है बुझ जाती है, वो बंद हो जाती है, वहीं रुक जाती है। तो जो तीन मूल आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे मुख्य होती है ऑक्सीजन। चौथा प्रश्न है, यदि क्रीम रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो फायर एक्सटिंग्यूजर होता है उनकी पहचान उनके ऊपर अलग अलग कलर कोड के माध्यम से दी जाती है, क्योंकि जो आपके बहुत सारे फायर एक्सटिंग्यूजर, जैसे पानी का फायर एक्सटिंग्यूजर है, वो पूरा पूरा आपको लाल दिखाई देगा या फिर उसके ऊपर लाल कलर के आपको बैंड दिखाई देगा। ठीक इसी तरह जो है आपके क्लास के या फिर क्लास एफ कैटेगरी की जो आग होती है, जैसे किचन में जो आग लग जाती है ऑयल में, तो उस आग को बुझाने के लिए हम किस तरह के फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल, उसके लिए हम वेट केमिकल का इस्तेमाल, तो उस पर क्या होता है, उस पर पीले रंग की पट्टी होती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्रीम कलर, तो क्रीम कलर का जो बैंड होगा वो किस फायर एक्सटिंग्यूजर पर होगा? तो जो क्रीम कलर का फायर एक्सटिंग्यूजर होता है वह होता है हमारा फोम फायर एक्सटिंग्यूजर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, यदि एक लाल रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर है? मैंने अभी आपको बता दिया कि जो लाल रंग का बैंड होता है वह पानी वाले फायर एक्सटिंग्यूजर के ऊपर होता है, या तो वो एक्सटिंग्यूजर पूरा का पूरा रेड कलर का होता है या फिर उसके ऊपर रेड कलर की पट्टी होती है, जिससे उसकी पहचान ये हो जाती है कि उसके अंदर जो है केवल पानी ही पानी भरा हुआ है, और जो क्लास ए की फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम जो है वाटर फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। छठा प्रश्न है, एक नीले रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर होगा? यदि किसी भी फायर एक्सटिंग्यूजर के ऊपर नीले रंग की पट्टी आपको दिखाई देती है तो यह पहचान बताती है कि वह जो फायर एक्सटिंग्यूजर है वह एक ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्यूजर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
सातवां प्रश्न है, यदि एक काले रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर होगा? वाटर नहीं हो सकता, ड्राई पाउडर नहीं हो सकता, फोम भी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी, जो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्यूजर होता है उसके ऊपर जो है काले रंग की पट्टी होती है जिससे उसकी पहचान होती है कि यह एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर एक्सटिंग्यूजर है, जिसका इस्तेमाल हम जो है इलेक्ट्रिक और जो आपके फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं उनकी आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, यदि एक पीले रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो वह कौन सा फायर एक्सटिंग्यूजर है? यदि किसी फायर एक्सटिंग्यूजर के ऊपर अगर आपको पीले रंग की पट्टी दिखाई देती है तो वह पहचान बताती है कि वो जो फायर एक्सटिंग्यूजर है वो एक वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूजर है, क्योंकि उसका इस्तेमाल जो है किचन की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए किया जाता है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में लगी आग पर पानी की आग बुझाने वाला यंत्र हमें उपयोग करना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपकी क्लास ए फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम जो है वाटर फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास ए की जो फायर होती है वो किस तरह की होती है? वो होती है आपकी जिसमें आपके कागज है, लकड़ी है और कपड़ा, इनमें जो आग लगती है वो क्लास ए फायर होती है, और उसको बुझाने के लिए हम जो है पानी वाले फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामग्री जैसे कि कपड़ा, कागज और लकड़ी की जो आग होती है उसके लिए हम पानी वाले फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करेंगे। दसवां प्रश्न है, अग्निशमन यंत्र जो विशेष रूप से F या K श्रेणी की आग से निपटने के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो कौन से फायर एक्सटिंग्यूजर होते हैं? तो वो होते हैं आपके वेट केमिकल, जो कि किचन की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत सारे जो बुक्स ऐसी हैं जिनमें जो है आपको क्लास K मिलेगा, और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें आपको क्लास F देखने को मिलेगा, और क्लास K और F ये दोनों की दोनों जो आग होती है किचन की आग होती है। तो इन दोनों तरह की जो आग को बुझाने के लिए जो हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम सामग्री को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि टाइटेनियम और एल्यूमिनियम क्या है? ये दोनों जो है धातु है, मेटल्स है, और मेटल की जो आग होती है वो किस कैटेगरी की होती है? वो आती है आपकी कैटेगरी डी की, यानी कि क्लास डी की जो आग होती है उसमें धातुओं में लगी हुई आग जो है शामिल होती है, जिसमें आपका सोडियम है, टाइटेनियम है और एल्यूमिनियम है, इनमें जो आग लगती है वो क्लास डी की श्रेणी में आती है। बारहवां प्रश्न है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तब उसकी नोजल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं, वह है बेहद गर्म हो जाती है, कुछ गर्म हो जाती है, या फिर थोड़ा ठंडा हो जाती है। ऑप्शन डी दिया गया, बेहद ठंडी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उसकी जो नोजल है वो हद से ज्यादा ठंडी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपकी CO2 गैस होती है जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो वो बेहद जो है ठंडी होती है, जैसे आपकी आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। और आपका जो रेफ्रिजरेटर है और जो आपका AC है, जो RAC के स्टूडेंट है, ITI में RAC के स्टूडेंट जो है वो अच्छे से जानते होंगे कि CO2 गैस का इस्तेमाल आपके घर में जो AC है, जो आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है, फ्रिज में जो गैस भरी जाती है या फिर AC में जो गैस भरी जाती है वो CO2 गैस होती है, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज और AC काफी ज्यादा जो है ठंड प्रोड्यूस कर पाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें सबसे कम प्रज्वलन तापमान होता है? यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें बहुत ही कम तापमान पर जो है आग पकड़ लेने की क्षमता होती है? तो जो आपका पेट्रोल होता है वो सबसे जल्दी आग पकड़ता है, यानी कि बहुत ही कम तापमान पर वो जो है आग पकड़ लेता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वह उसका प्रज्वलन तापमान कहलाता है, और हर पदार्थ का अलग-अलग प्रज्वलन तापमान होता है, ठीक है। पेट्रोल जो है अलग तापमान पर आग पकड़ता है और मिट्टी का तेल अलग तापमान पर जो है आग को पकड़ता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम प्रज्वलन तापमान किसका है तो वो होता है आपका पेट्रोल का, क्योंकि जो पेट्रोल है वो सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से जो है पहले आग पकड़ता है। तो इस जो जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ ले उस तापमान को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उसे हम इग्निशन टेम्परेचर या फिर प्रज्वलन तापमान भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी या कोयले के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण डैश का एक उदाहरण है, यानी कि वह कौन सी स्थिति होती है जब लकड़ी या कोयले के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण किया जाता है? मैं आपको बता दूं कि जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये एक बेहद जहरीली गैस होती है, और इसकी मित्रता हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है इंसान के शरीर में उसके साथ ऑक्सीजन की बजाय इसकी मित्रता 200 गुना ज्यादा होती है। यानी कि अगर हमारे वातावरण में जो है
ऑक्सीजन और मोनोऑक्साइड दोनों हैं, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने साथ लेकर के जाने लगेगा, जिससे जो है हमारी मृत्यु हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। सर्दियों में आपने बहुत बार देखा होगा, आपको खबरें देखने को मिलती हैं कि एक परिवार जो है शाम को कमरे को बंद करके सो रहा था अंगीठी जला करके, और सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लकड़ियाँ कोयले को शाम को जलाते हैं। जब वो उसे जलाते हैं तो उसको क्या होता है कि ऑक्सीजन जब तक कमरे में रहती है वो जलता रहता है और CO2 प्रोड्यूस होती रहती है। अब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है वो, और वो जो कोयला है या वो लकड़ी है वो सुलगने लगता है, वो जलने की बजाय सुलगने लगता है। केवल उसके अंदर जो व्हाइट सफेद कलर का धुआं जब उसमें उठने लगता है, तो वो जो सफेद कलर का धुआं होता है वो होता है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की मैंने आपको बता दिया कि हमारे खून के साथ जो उसकी मित्रता होती है, अब वो जो उस कमरे में जो लोग सो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका शरीर क्या करता है, उनका शरीर जो है ऑक्सीजन को छोड़ करके उस CO जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है उसको अपने साथ लेकर के जाने लगता है। अब शरीर में जब ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाएगी तो इंसान का शरीर क्या करता है, काम करना बंद करता है, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है, और वो व्यक्ति जो है बिना किसी कारण के बिना किसी वजह के वहां पर दम तोड़ देते हैं। यही कारण होता है कि सर्दियों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपने घरों में अंगीठी जलाते हैं, और जलने के बाद वो कुछ टाइम के बाद जब सुलगती है तो घरों में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी, अधूरा दहन। जब भी जो है लकड़ियां कोयले में अधूरा दहन होता है, कम दहन, पूरी तरह से जब जलती है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है, लेकिन जब कम जलती है अधूरा जलन, तो उसको हम सुलगना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहन की एक आवश्यक शर्त नहीं है, तो यानी कि जो आग है उसको जलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि कोई किसी भी पदार्थ की जरूरत चाहिए जिस जो आग को पकड़ सके, जिसमें आग लगाई जा सके, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, या फिर कपड़ा कागज कुछ भी हो गया जिसमें जो है आग लगाई जा सके, तो वो क्या है, वो पदार्थ है। दूसरा है इग्निशन तापमान, तो प्रज्वलन तापमान की भी जरूरत है, एक निश्चित तापमान की भी जरूरत है जिस तापमान पर पहुंचने के बाद उस पदार्थ में आग लगाई जा सकती है, जिस तापमान पर वो पदार्थ जो आग को पकड़ सके। ऑप्शन सी है दहन के समर्थन की उपस्थिति, समर्थन यानी कि आग को जलने के लिए जो है जो पदार्थ चाहिए, तापमान चाहिए, तीसरी चीज चाहिए ऑक्सीजन। जब तक रूम में ऑक्सीजन नहीं होगी, उस जगह पर ऑक्सीजन नहीं होगी, आग पूरी तरह से जल नहीं पाएगी। और ऑप्शन डी दिया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो दोस्तों आग जलने के लिए CO2 की जरूरत नहीं होती है, आग जलने के लिए पदार्थ की इग्निशन टेम्परेचर की और जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो जरूरत है दहन के लिए जरूरी नहीं होती है, क्योंकि जब आग जलती है तो वह खुद CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर सकती है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।